दोस्तों इस वीडियो का एंड तक देखते रहे, यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों जो आप पेटीएम पोस्टपेड में जो लिमिट दी जाती है 2000, 3000, 4000 या फिर 10000, 20000 की जो लिमिट आपको दी गई है उसमें से आपने कुछ भी खर्च कर दिया है तो अब उसे पे करना है, और अगर आप उसे पे करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होगा इस वीडियो में यही जानेंगे, और लाइव हम पे करके देखेंगे क्या प्रॉफिट मिलता है, और साथ साथ हम बताएंगे दोस्तों नुकसान क्या होगा अगर आप जो है पेटीएम पोस्टपेड में जो लिमिट पेटीएम हमें दिया है अगर वो हम पे नहीं करते हैं पेटीएम को तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, हमें डिजिटल मार्केटिंग में यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या नुकसान होगा या फिर हमें रियल लाइफ में क्या नुकसान होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों एक हम आपको सच बताने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रप्रकाश सकल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सकल। तो चल शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जानकारी पाएं सच्चाई के साथ। सब्सक्राइब करें टेक्निकल सकल चैनल को और इस घंटे को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि एक यूट्यूबर हैं जो कि कहते हैं कि अगर आप कोई भी यूट्यूबर किसी भी घटिया से घटिया ऐप का रिव्यू करता है तो उसकी छोटी सी गलती है। जी हाँ, घटिया से घटिया ऐप का रिव्यू करता है, छोटी सी गलती है। दोस्तों हम आपको पहले ही कल ही के वीडियो में बता दिए थे कि अगर आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं और 1 रुपये आपको मिलता है तो क्या आप जो है उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों यूट्यूबर्स 10000, 20000 या फिर 5000 या 200, 300 में जेब भर लेते हैं अपनी और आपको घटिया से घटिया ऐप का रिव्यू करके दिखा देते हैं कि ये पैसे की बारिश करेगा, पैसे की बारिश करेगा, और उसमें आप मेहनत करते हैं 100 रुपये का, वो ऐप आपको 1 रुपया देता है, क्या उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों इस तरह का आप भूतियाफा बिल्कुल भी छोड़ दें। दोस्तों उस कौन सा यूट्यूबर है, किसने कहा है, सारी जानकारी हमने रिएक्शन बाय सहगल चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। और हाँ, रिएक्शन बाय सहगल चैनल पे हमने उसका हुतियाफा भी आपको अपलोड करके दे रखा है, बता रखा है। तो दोस्तों देख लो, ऐसे कह रहे हैं कि हम जो है किसी भी ऐप का रिव्यू करते हैं तो उसकी सिर्फ सच्चाई ही बताएंगे, उसकी अच्छाई ही बताएंगे, उसकी बुराइयों पर हम पर्दा डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अगर कोई भी यूट्यूबर है अगर उसके किसी भी ऐप की बुराई नहीं बताता है, उसका सच नहीं बताता है, तो देख लो वो पैसे लेके जेब भर के उसका जेब भर गया, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है तो इस वीडियो की आग लगा दो यूट्यूब में, फैला दो यूट्यूब में, जितना उसके उतना फैला दो। दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं कि ये इस ऐप का उसने रिव्यू किया है, विंजो गोल्ड ऐप। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विंजो गोल्ड ऐप, दो वीडियो देख सकते हैं, दो व्यू एक व्यू। दोस्तों यहाँ पे हमें पेड प्रमोशन के लिए आया था और इसका वीडियो हमने बना के अनलिस्ट करके दिया, और इस वीडियो में हमने बताया कि ये ऐप एक तरह का जुआ है। जी हाँ, ये ऐप एक तरह का जुआ है, लेकिन उस यूट्यूबर ने उसकी एकदम अच्छाई बताई है, आज ही के वीडियो में एकदम अच्छाई बताई है, बताया कि इससे आप इतना कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी गेम आप खेलिए तो उसे पैसे कमाने के उद्देश्य से मत खेलिए, कोई भी गेम खेलिए तो उसे खेलने के उद्देश्य से खेलिए। यह विंजो गोल्ड ऐप सबसे बड़ा जुआ है, मत इंस्टॉल करना, मत पैसे इन्वेस्ट करना, एक भी पैसा इन्वेस्ट मत करना। दोस्तों यहाँ मुझे 5000 का आया था और 5000 में बोला जा रहा था कि मैं वे वर्ड हटा दूं कि ये जुआ है। दोस्तों ये जुआ है, आप उसमें एक भी पैसा इन्वेस्ट मत करना, अगर खेलने के उद्देश्य से खेल रहे हो तो बहुत बेटर है आप खेलो, एक भी पैसा उसमें इन्वेस्ट मत करना, सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा, आप एक भी गेम नहीं जीत पाएंगे, आप खेलने के उद्देश्य से खोलो। विंजो गोल्ड ऐप घटिया है, मत करना। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, चले जाना। तो दोस्तों आइए चलते पहले इस मोबाइल का हम जो है रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ये मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है और रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा पेटीएम ऐप और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड, ठीक है, ये रहा पेटीएम पोस्टपेड। जिस तरह से इसको ओपन करते हैं दोस्तों, मुझे 300 की लिमिट दी गई थी और यहाँ पे हमने खर्च कर दिए है 296 रुपये। अब दोस्तों हम चलते हैं इसे पे करने, देख सकते हैं दोस्तों ड्यू डेट आ चुकी है, 7 फरवरी तक ड्यू डेट है। अगर हम जो है पे करते हैं तब हमें क्या प्रॉफिट होगा मुझे भी नहीं पता है, जब हम लाभ के सामने लाइव करेंगे तो हमें भी पता चलेगा आखिर क्या प्रॉफिट होता है, पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पे नाउ पे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पेटीएम में वैलेट में कुछ पैसे हैं जिससे हम पे करेंगे। अगर आपके वैलेट में पैसे नहीं है तो आप जो है इसे एटीएम कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से इस तरह से पे कर सकते हैं। देखिए आ चुका है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई। तो हम जो है पे करेंगे, देखिए पेटीएम वैलेट में हमारे पैसे हैं
341 रुपये उसी से हम पे करेंगे 296 रुपये। तो हम पे सिक्योरिटी पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं और ये प्रोसेसिंग चल रही है और देखते हैं क्या होता है। और ये पे हो जाएगा, ऑर्डर समरी आ चुका है और यहाँ पे हमने कर दिया सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल हो जाने के बाद हमें क्या मिलता है, क्वांटिटी वन सक्सेसफुल और क्या प्रॉफिट मिला देखते हैं इसके बाद। अब हम चलते हैं वापस से पेटीएम पोस्टपेड में और देखने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉफिट मिलता है। फ़ोन आ रहा है, इसे हम कभी मिनिमाइज़ कर देते हैं और चलिए 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 हट जाओ यार थोड़ी देर के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए रुक देते हैं और यहाँ पे हम जो है बैक करते हैं, देखते हैं पेटीएम पोस्टपेड में जाके हमें और क्या प्रॉफिट मिला पेटीएम पोस्टपेड से। और ओपन ओपन, जी हाँ, हमें फिर से लिमिट दे दी गई है 300 रुपये की, यानी कि हमें जो एक बार लिमिट दे दी गई है उस लिमिट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उस लिमिट में हम पैसे देंगे तो फिर वही लिमिट हमें मिल जाएगी, यही है प्रॉफिट। और दोस्तों नुकसान क्या है इसका कि अगर जो है आप पेटीएम पोस्टपेड का पैसा नहीं देते हैं तो इससे आप क्रेडिट जो है, जी हाँ, लोन की क्रेडिट जो पैसे मिले हैं एक तरह का लोन है जो कि हमें ICICI बैंक से मिला है। और अगर हम पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट है वो डाउन हो जाएगा और आपको इन केस फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको 100 200 500 400 का मिल चुका है लिमिट तो उसे दे दीजिए तुरंत के तुरंत। पेटीएम को यार कितना खर्च लगेगा और आपको फिर से लिमिट मिल जाएगी अगर इस्तेमाल करना होगा तो करना। मान लो कि आप जो है कहीं ऐसे क्षेत्र में चले गए जहाँ पर नेटवर्क नहीं है और आपके पेटीएम में पैसे भी नहीं है और देखा आपके पेटीएम पोस्टपेड में लिमिट है तो आप जो है इस्तेमाल कर लेंगे और रिचार्ज कर लेंगे, बात कर लेंगे, तो बेटर है कि नहीं आप जो है कर दीजिएगा। मेरी तरफ से सही है, कर दीजिएगा, ठीक ठाक है यार, 100 200 500 है कर देना। पता चला कि इनकेस फ्यूचर में कभी आपको लोन लेने की जरूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से आप जो है कर देना। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मौजूद है उसे ज़रूर से देख लेना। अगर आपको सच लगा होगा कि अगर आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो आपको 1 रुपये क्यों मिले, 100 रुपये की मेहनत कर रहे हो तो 100 रुपये ही लो आप। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।